फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सीखो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा स्टारबक्स वर्सेस स्टारबक्स के केस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखिए फ्रेंड्स, स्टारबक्स बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके कॉफ़ी के स्टोर्स चलते हैं, फ्रेंचाइजी भी देते हैं अपनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। अब ये पूरा मामला क्या था, दिल्ली के अंदर एक पर्सन था, उसने एक कॉफ़ी चेन चालू कर दी सरदार जी बख्श के नाम से। अब यहाँ पे मुद्दा क्या उठा, देखिए स्टारबक्स ने क्या देखा कि सामने वाले पर्सन ने हमारे लोगो पूरा कम्प्लीटली कॉपी कर लिया है। उसने क्या करा, जो सरदार जी का लोगो होता है साइड में धारियाँ निकाल दी ग्रीन कलर की, और राउंड सर्कल में अपना नाम लिख दिया जैसे स्टारबक्स लिखता है, और सेम कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करा। स्टारबक्स वालों ने लीगल नोटिस भेजा और कहा कि आप अपने लोगों को चेंज करो, हमसे डिट्टो मिलता जुलता है। उसके बाद सामने वाली पार्टी ने अपने लोगों को चेंज करा, उसके बाद उन्होंने जो राउंड सर्कल में नेम लिखा हुआ था उसको थोड़ा बहुत चेंज करा, उसके बाद अपने लोगों को ग्रीन कलर से हटा के गोल्डन कलर का कर दिया। तो लोगों तो उन्होंने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, बट नाम भी काफ़ी मिलता जुलता उनको लग रहा था, क्योंकि यहाँ का नाम था स्टारबक्स और इनका नाम था सरदार जी बख्श। उसके लिए स्टारबक्स ने केस फाइल करा 2017 के अंदर, कहा कि आपका जो नेम है हमसे मिलता जुलता है, प्लीज़ इसको चेंज करिए। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस फाइल हुआ, ग्राउंड्स ये उठाएगा कि हम वर्ल्ड के अंदर फेमस है, पूरे वर्ल्ड में हमारी कॉफ़ी चेन के स्टोर्स चलते, हमारे नेम के बदौलत, हमारे नेम से मिलते जुलते नेम के बदौलत सामने वाली पार्टी ने 20 आउटलेट्स खोल दिए कॉफ़ी चेन के दिल्ली के अंदर, रातों रात ही फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने हमसे मिलता जुलता नाम को यूज़ करा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन है, जो केस का डिसीजन था, वो फेवर में दिया स्टारबक्स के, और सामने वाले पर्सन को कहा आप अपने नाम की स्पेलिंग को थोड़ा बहुत चेंज करिए, और जो नए आउटलेट्स आपके खुलेंगे अब दिल्ली के अंदर वो न्यू नेम से खुलेंगे, और जो पुराने नेम है आपको वहाँ पे चलते आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑफलाइन में कहीं पे भी लिखा हुआ है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली पार्टी को अपना नेम चेंज करना पड़ा, अब नया नाम निकल गया सरदार जी बख्श। अब यहाँ पे अंतर क्या था, देखिए पुराने नाम के अंदर स्पेलिंग थी BUKSH, नए नाम के अंदर सरदार जी बख्श हो गया, अब यहाँ पे स्पेलिंग होगी BAKSH, ये नई स्पेलिंग इनकी निकल कर आई। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देने वाला हूँ। सबसे पहला लेसन, अगर एक बड़ी ब्रांड बनना है ना तो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फाइलिंग चालू कर दो। आप देखिए इंडिया में रह के बड़ी नहीं ब्रांड नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फॉरेन में एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक बड़ी IT फर्म बनना है तो UK US आपका मार्केट है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने गुड्स का तो आप UAE में कर सकते हैं, थाईलैंड में कर सकते हैं, चाइना में कर सकते हैं। तो हर कंट्री के अंदर जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को चालू करना है ना, वहाँ पर डेफिनेटली जाके अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराओ। यही गलती कर दी थी पेपाल वालों ने, पेटीएम में जब केस फाइल करा ना तब पेपाल का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था इंडिया के अंदर, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस समय पेपाल के लिए। बट स्टारबक्स ने हर कंट्री के अंदर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। इंडिया के अंदर स्टारबक्स टाटा के साथ ऑपरेट करता है जॉइंट वेंचर के अंदर। इवन जब पाकिस्तान में भी ना एक पर्सन था, उसने स्टारबक्स करके एक चेन चालू कर दी कॉफ़ी की, वहाँ पर जाके भी स्टारबक्स ने केस फाइल करा, भले ही उस समय स्टारबक्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा था, फिर भी स्टारबक्स ने केस फाइल करा कि कैसे आप हमारा नेम यूज़ कर रहे मिलता जुलता, या तो ब्रांड नेम को बंद करो या फिर इस नाम को चेंज करो। अब यही फायदा रहता है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फाइलिंग करने का। दूसरा लेसन, कभी भी देखो कॉपी मत करो। अगर आपको खुद को बड़ी ब्रांड बनना है ना, खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, सोच लाओ, थोड़ा महंगा लोगो डिजाइनर पकड़ो, उसको बोलो कुछ इनोवेट करे, कॉपी ना करे। कॉपी करने में दिक्कत क्या, आप सोचो अब सरदार जी बख्श ने चालू तो कर दिया, अब कितना पैसा उनका लिटिगेशन में गया होगा, फिर नेम चेंज करना, सारी चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपेंस होता है। उसके बाद लीगल एक्सपेंस होने के बाद आपका टाइम भी उसके अंदर कंज्यूम होता है। इससे बेटर है कि आप खुद इनोवेट करो। ये दो लेसन थे इस केस लॉ से। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और आप अपने ओपिनियन बताओ क्या जो केस का डिसीजन निकल कर है वो बिल्कुल सही था या गलत था। मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहता हूँ कॉमेंट सेक्शन के अंदर।